वेलकम एवरीवन, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम HTML बेसिक्स कवर करेंगे। इस ट्यूटोरियल में हम तीन टॉपिक्स कवर करेंगे, डिफरेंस बिटवीन वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। सेकंड टॉपिक है व्हाई HTML इज़ नेसेसरी। थर्ड टॉपिक होगा व्हाट वी नीड टू गेट स्टार्ट। तो पहले मैं आप सबको वार्मली वेलकम कहता हूँ कि जिन लोगों ने इस कोर्स में अपनी इनरोलमेंट शो करवाई है। तो थोड़ा सा आपको मैं इस कोर्स के बारे में बता देता हूँ, तो इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि लेक्चर इंग्लिश में डिलीवर करने की कोशिश करूँ, और अगर आपको कोई मुश्किल पेश आए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मैं कुछ उर्दू में भी लेक्चर डिलीवर करूँगा। तो सबसे पहले आपको मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ कि हमने ये कोर्स क्यों शुरू किया है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, और आप इसकी मदद से क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। इन दिस कोर्स यू विल लर्न अबाउट वेब डिवेलपमेंट। दिस इज़ 3 month कोर्स इन विच वी विल एक्सप्लोर HTML, CSS एंड बूटस्ट्रैप। आफ्टर 3 month यू विल बी एबल टू क्रिएट इंटरेक्टिव, रिस्पॉन्सिव एंड आई कैचिंग वेबसाइट ऑफ एनी टाइप, सच एज सोशल वेबसाइट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड ब्यूटी, ई मार्ट, ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर, म्यूजिक एंड इंटरटेनमेंट एंड सो ऑन। यू कैन क्रिएट एनी टाइप ऑफ वेबसाइट फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब कि आप एक ब्लैंक शीट से, एक खाली पेपर से कोडिंग करके अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। देर इज़ ओनली वन कंडीशन एंड दैट इज़ प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चाहे आपको जितने मर्जी लेक्चर डिलीवर कर दिए जाएं, तो आप बिल्कुल ज़ीरो ही होंगे। एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आई विल एक्सप्लोर अ सीक्रेट दैट हैज़ नॉट बीन एक्सप्लोर्ड बाई एनी वन, इवन ऑन यूट्यूब। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेब डिज़ाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। कंसिडर अ केस सिनेरियो इन विच यू वांट टू गेट अ हाउस बिल्ट। यू हैव द मैप इन योर माइंड, यू गो टू एन एक्सपर्ट एंड आस्क हिम टू डिज़ाइन द मैप ऑफ योर हाउस। ही यूजेज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड मेथड्स टू डिज़ाइन द मैप। सिंस द एक्सपर्ट मैन नीड्स दैट डिज़ाइन, सो वी विल कॉल दिस पर्सन डिज़ाइनर, आर्किटेक्चर डिज़ाइनर। तो फ़र्ज़ करें कि आपने अपने घर का नक्शा बनवाना है, आपके जहन में उसका नक्शा है, लेकिन आप किसी एक्सपर्ट बंदे के पास जाते हैं और आप उसे कहते हैं कि भाई मेरे पास एक नक्शा है घर का, तो आप काइंडली मुझे वो स्केच बना के दे दें ताकि मैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करवा के घर बना सकूँ। ये जो बंदा है, ये चूँकि आपका डिज़ाइन रेडी करके देता है, तो इसको हम डिज़ाइनर कहेंगे। अब इस बंदे के पास नक्शा आ गया, डिज़ाइनर ने इसको नक्शा दे दिया। अब डिज़ाइनर तो ये नक्शा सिर्फ डिज़ाइन करके देख सकता है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके, यानी कि उसको प्रैक्टिकली नहीं बना सकता। तो इस बंदे को किसी और पर्सन की ज़रूरत है जो उसका ये वाला डिज़ाइन प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर सके। तो ये क्या करेगा कि ये किसी एक्सपर्ट के पास जाएगा और उसे कहेगा कि मेरे पास स्केच है, तो आप काइंडली मेरे स्केच को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट कर दें। सो दिस गाय दैट कन्वर्ट्स हिज डिज़ाइन इनटू डेवलपमेंट, दिस पर्सन इज नोन एज डेवलपर। अब आपको आइडिया हो गया होगा कि डिज़ाइनर और डेवलपर में क्या डिफरेंस है। डिज़ाइनर एक्चुअली आपको डिज़ाइन स्केच की फॉर्म में बना के देगा, वो डिफरेंट किस्म के सॉफ्टवेयर्स यूज़ करेगा, जबकि डेवलपर जो होगा वो उसको प्रैक्टिकली चीज़ में कन्वर्ट करके देगा। 100% दिस इज़ द सेम रिलेशन इन केस ऑफ वेब डिज़ाइनर एंड वेब डेवलपर। इफ़ यू हैव द मैप और ले आउट ऑफ योर वेबसाइट इन योर माइंड, यू आस्क समवन एक्सपर्ट टू कन्वर्ट योर इमेजिनरी ले आउट इन टू डिज़ाइन। The expert person converts it into website design. You can see that this is the imaginary template, or this one is also an imaginary template. Now you need to get that design into a website. So you find another one expert who can convert your design into practical website. That expert person is known as web developer. तो आप वेब डिज़ाइनर से कहते हैं कि मेरे जहन में फ़लाँ किस्म की वेबसाइट है, आप उसे बताते हैं कि उसके टॉप में कुछ ये चीज़ होनी चाहिए, फिर यहाँ पे साइड्स बार होनी चाहिए, ये उसका मेन चीज़ होना चाहिए, उसका फुटर होना चाहिए, या फिर आप उसको कहते हैं कि मुझे इस किस्म की वेबसाइट चाहिए, तो डिज़ाइनर आपको इस किस्म की वेबसाइट का एक लेआउट बना के देगा। फिर आप जाते हैं कोडिंग करने वाले एक्सपर्ट के पास, डिवेलपर के पास, डिवेलपर इसकी कोडिंग करता है और उस डिज़ाइन को प्रैक्टिकली कन्वर्ट कर देता है। आपको मैं इसकी एक लाइव एग्जाम्पल दिखाता हूँ। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आपको एक लेआउट नज़र आ रहा होगा। ये लेआउट मैंने W3 स्कूल से कॉपी किया है। तो अगर हम इसकी कोडिंग करें,
ये जो आपका स्केच बना है ये ग्राफिक डिज़ाइनर ने बनाया है। अब आपने स्केच ले लिया, अब आप जाते हैं वेब डेवलपर के पास और आप कहते हैं कि भाई मुझे कोडिंग करके ये वाली चीज़ प्रैक्टिकली बना के दो। तो मैं अब आपको इसकी कोडिंग शो करवाता हूँ। तो अभी ये देखिए, ये डिज़ाइनिंग है और कोडिंग के थ्रू जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये कुछ इस तरह नज़र आएगी। ये थोड़ी अलाइनमेंट थोड़ी डिफरेंस है क्योंकि अभी मैंने इसको एडिट नहीं किया। अगर मैं आपको किसी कोडिंग दिखाऊं तो इसी कोडिंग कुछ ये है। तो ये वाला काम जो कोडिंग वाला है, दिस इज़ द वर्क ऑफ वेब डिवेल्पर। अब हमारा दूसरा टॉपिक है कि HTML क्यों ज़रूरी है, वाई इट इज़ नेसेसरी। तो इसकी आपको मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स ओपन की हैं, जैसे BBC न्यूज़, JC यूनिवर्सिटी, फूड पैंडा, songs.pk, फेसबुक और मेरा फाइबर का अकाउंट। तो अगर मैं आपको इस वेबसाइट्स का सोर्स कोड दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग हो रही है डॉक टाइप HTML, उसके बाद HTML, फिर हेड, फिर यहाँ पे कुछ लाइब्रेरीज ऐड हुई हैं। तो बताने का मकसद कि इसकी स्टार्टिंग भी गौर करें बस। तो ये डॉक टाइप HTML, ये HTML, इसमें CSS भी यूज़ हुई है। जिस यूनिवर्सिटी का सोर्स कोड देखें तो उसमें भी आप देख सकते हैं कि डॉक टाइप HTML एंड सो ऑन। तो इसकी स्टार्टिंग भी HTML से है, जिसमें HTML के कुछ टैग्स हैं, कुछ लिंक्स हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स हैं। फूड पैंडा का देख लें सोर्स कोड, तो फूड पैंडा का देखेंगे तो वहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग डॉक HTML से हो रही है। songs.pk का देख लें, इसी तरह से आप फेसबुक का सोर्स कोड देख लें, इवन के आप फाइवर का सोर्स कोड देख लें, तो आप देख सकते हैं कि ये डॉक टाइप HTML। तो सब की स्टार्टिंग में डॉक टाइप HTML ज़रूर है। तो इसका मतलब कि HTML इज़ द मोस्ट नेसेसरी। और फॉर योर कॉइन इंफॉर्मेशन, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे, अबाउट 99.99% वेबसाइट्स आर डिवेल्प विद द हेल्प ऑफ HTML एंड CSS। तो इसका मतलब कि HTML के बगैर आप वेबसाइट को दूर एक सिंगल वेब पेज भी नहीं बना सकते। और थोड़ी सी आपकी मोटिवेशन के लिए कि हम HTML CSS क्यों कर रहे हैं, HTML CSS करने के बाद जैसे मैंने आपको बताया कि आप डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स बना सकते हैं। जैसे मुझे यहाँ पे पहला ऑर्डर मिला है, कस्टमर ने मुझे कहा है कि मैं उसे एक वेबसाइट बना के दूँ, और ऑर्डर मेरा पहला है $50 का। तो जब आप कोर्स सीख जाएंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से फाइवर पे अर्निंग कर सकते हैं। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है, व्हाट वी नीड टू गेट स्टार्ट। हमें बाकायदा प्रोग्रामिंग शुरू करने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो आपको जस्ट दो चीज़ों की ज़रूरत है, नोटपैड प्लस प्लस और पर्सनल कंप्यूटर या लैपटॉप। और अगर आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट गेट गेट स्टार्ट। तो ये मैंने ओपन कर लिया नोटपैड प्लस प्लस। यहाँ पे हम अपना बेसिक सेंटेक्स लिखेंगे। तो इसका बेसिक सेंटेक्स है डॉक टाइप के बाद हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइप का है, HTML का, तो हम लिखेंगे डॉक टाइप HTML। इससे पहले हम सेव कर लेते हैं। तो आप डेस्कटॉप पे या अपनी सी ड्राइव में या ई ड्राइव में कहीं पे इसके लिए अलहदा फोल्डर बना लें। मैं यहाँ पे डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रहा हूँ। वेब डेवलपमेंट, इस फोल्डर में हम अपनी पहली फाइल लिखेंगे जिसका मैं नेम रख रहा हूँ इंडेक्स। आप कोई भी नेम यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपने फाइल का नेम लिखना है तो आपने डॉट HTML ज़रूर लिखना है, बिकॉज डॉट HTML इज़ द एक्सटेंशन ऑफ आवर वेब पेज। इसे सेव कर लें तो ये आपकी फाइल सेव होगी। तो डेस्कटॉप में हमने फोल्डर बनाया था वेब डिवेलपमेंट, और ये हमारा पेज है इंडेक्स के नाम से। डॉक टाइप HTML के बाद अगला स्टेप है, आप यहाँ पे ऐड करेंगे HTML, यानी यहाँ से हमारा डॉक्यूमेंट शुरू होता है। एक चीज़ हमेशा याद रखें, जैसे ही आपने टैग कोई ओपन करना है आपने फ़ौरन उसी वक्त उसको क्लोज़ ज़रूर करना है। तो क्लोज टैग के लिए हम वही HTML लिखेंगे, लेकिन इसके स्टार्ट में हम बैक स्लैश लिखेंगे। बैक स्लैश शो करता है कि आपका टैग बंद हो चुका है। HTML के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे हेड। इस आप कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा, तो आपका टाइम सेव हो जाएगा। तो हेड टैग हमने बंद कर दिया। हेड के बाद हम लिखेंगे टाइटल। तो टाइटल क्या चीज है, देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंट किस्म के वेब पेजेस ओपन किए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है BBC, यहाँ पे लिखा हुआ है JC यूनिवर्सिटी,
यहाँ पे लिखा हुआ फूड पैंडा सॉन्ग्स डॉट पी के फेसबुक। ये जो आपको आपको टाइटल टाइटल नज़र आ रहे नजर हैं आ रहे हैं एक्चुअली ये टाइटल हैं। तो टाइटल के टाइटल अंदर के जो अंदर भी जो चीज़ भी लिखी चीज़ लिखी जाएगी जाएगी वो वो आपके आपके वेब पेज वेब का पेज का नेम नेम होगा। तो होगा। तो जैसे हम जैसे यहाँ हम पे यहाँ पे टाइटल पे टाइटल लिख पे लिख देते देते हैं हैं फर्स्ट फर्स्ट पेज, पेज, इसको इसको सेव सेव करें, करें, यहाँ यहाँ पे पे जाके जाके रिफ्रेश रिफ्रेश करें। करें। तो तो ये ये देखिए देखिए यहाँ यहाँ पे पे लिखा लिखा हुआ हुआ है है फर्स्ट फर्स्ट पेज, पेज, फर्स्ट फर्स्ट पेज। पेज। अब आपको आपको आइडिया आइडिया होगा। होगा। टाइटल टाइटल के के बाद बाद मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज चीज है है एंड एंड दैट दैट इज इज बॉडी बॉडी टैग। टैग। बॉडी बॉडी टैग टैग क्लोज क्लोज करेंगे, करेंगे, बॉडी बॉडी टैग टैग के के अंदर अंदर जो जो भी भी चीज चीज लिखी लिखी जाएगी, जाएगी, बॉडी बॉडी टैग टैग के के अंदर अंदर जो जो भी भी चीज चीज लिखी लिखी जाएगी जाएगी वेब वेब ब्राउजर ब्राउजर में में वही वही चीज चीज शो शो होगी। होगी। फॉर फॉर एग्जांपल एग्जांपल मैं मैं हम हम यहाँ यहाँ पे पे लिखते लिखते हैं हैं दिस दिस इज इज आवर आवर फर्स्ट फर्स्ट वेब वेब पेज। पेज। यहाँ यहाँ पे पे आके आके रिफ्रेश रिफ्रेश करेंगे करेंगे तो तो आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं दिस दिस इज इज आवर आवर फर्स्ट फर्स्ट वेब वेब पेज। पेज। इसको इसको मैं मैं थोड़ा थोड़ा जूम जूम कर कर देता देता हूँ। हूँ। थोड़ा थोड़ा सा सा और और इंट्रोडक्शन इंट्रोडक्शन लिखते लिखते हैं। हैं। हम हम यहाँ यहाँ पे पे लिखते लिखते हैं हैं वेलकम वेलकम टू टू वेब वेब डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। इसे इसे रिफ्रेश रिफ्रेश करते करते हैं। हैं। एक एक चीज़ चीज़ देखेंगे, देखेंगे, यहाँ यहाँ पे पे मैंने मैंने एक एक लाइन लाइन लगाई लगाई है, है, यानी यानी कि कि मैंने मैंने इस इस टेक्स्ट टेक्स्ट को को न्यू न्यू लाइन लाइन पे पे लिखा लिखा है, है, जबकि जबकि ब्राउज़र ब्राउज़र उसको उसको एक एक ही ही लाइन लाइन में में एक्सेप्ट एक्सेप्ट करेगा। करेगा। इसको इसको मैं मैं जूम जूम आउट आउट करता करता हूँ। हूँ। मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे जाके जाके कुछ कुछ लिख लिख देता देता हूँ। हूँ। इसको इसको यहाँ यहाँ पे पे करते करते हैं हैं कॉपी कॉपी पेस्ट। पेस्ट। इसको इसको रिफ्रेश रिफ्रेश करेंगे करेंगे तो तो आप आप जितनी जितनी मर्जी मर्जी स्पेसेस स्पेसेस ऐड ऐड कर कर लें लें ब्राउज़र ब्राउज़र उसको उसको एक 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 ही ही लाइन लाइन में में शो शो करेगा। करेगा। तो तो अगर अगर आप आप चाहते चाहते हैं हैं कि कि आपका आपका ये ये वाला वाला जो जो टेक्स्ट टेक्स्ट है है ये ये न्यू न्यू लाइन लाइन पे पे आए आए तो तो हमें हमें क्या क्या करना करना होगा, होगा, वी वी हैव हैव टू टू ऐड ऐड अ अ ब्रेक ब्रेक टैग टैग हियर, हियर, BR। BR 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 स्टैंड स्टैंड फॉर फॉर ब्रेक। ब्रेक। तो तो चूंकि चूंकि हमने हमने डेवलपमेंट डेवलपमेंट के के बाद बाद ब्रेक ब्रेक लिखा लिखा तो तो डेवलपमेंट डेवलपमेंट के के बाद बाद ये ये वाली वाली जो जो चीज़ चीज़ है है दिस दिस वाला वाला जो जो चीज़ चीज़ होगी होगी ये ये आपकी आपकी न्यू न्यू लाइन लाइन पे पे शो शो होगी। होगी। इसको इसको सेव सेव करें, करें, रिफ्रेश रिफ्रेश करें करें और और बी आर BR के के बाद बाद जो जो आप आप चीज़ चीज़ लिखेंगे लिखेंगे वो वो आपकी आपकी न्यू न्यू लाइन लाइन पे पे आएगी। आएगी। आप आप एक एक से से ज़्यादा ज़्यादा बी बी आर आर भी भी लिख लिख सकते सकते हैं, हैं, जस्ट जस्ट कॉपी कॉपी इट इट एंड एंड पेस्ट पेस्ट इट, इट, सेव सेव इट, इट, गो गो हेयर हेयर एंड एंड रिफ्रेश रिफ्रेश द द पेज। पेज। वी वी कैन कैन सी सी दैट दैट यहाँ यहाँ पे पे हमने हमने टू टू बी बी आर आर ऐड ऐड किए किए तो तो वो वो आपको आपको यहाँ यहाँ पे पे टू टू ब्रेक ब्रेक लाइन लाइन देगा। देगा। अगर अगर मैं मैं यहाँ यहाँ पे पे दो दो ब्रेक्स ब्रेक्स और और ऐड ऐड कर कर देता देता हूँ हूँ तो तो यहाँ यहाँ पे पे वो वो आपको आपको दो दो ब्रेक्स ब्रेक्स और और दे देगा। दे देगा। तो तो बढ़ते बढ़ते हैं हैं हम हम अपनी अपनी अगली अगली चीज़ चीज़ की की तरफ तरफ एंड एंड दैट दैट इज़ इज़ हेडिंग्स। हेडिंग्स। हेडिंग्स हेडिंग्स आर आर द द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक। टॉपिक। आप आप कोई कोई भी भी वेब वेब पेज पेज देख देख लें लें आपको आपको उसमें उसमें कुछ कुछ इस इस किस्म किस्म की की हेडिंग्स हेडिंग्स नज़र नज़र आएंगी। आएंगी। दिस वन इज़ ऑल्सो हेडिंग, दिस वन इज़ ऑल्सो हेडिंग, दीज आर ऑल द हेडिंग्स। इनके कलर्स में, स्टाइल्स में, फॉन्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो हम CSS में जाके डिटेल से देखेंगे। अभी जस्ट ये चीज़ देखें कि हेडिंग क्या होती है, हेडिंग और क्यों यूज़ होती है। तो डेफिनेटली कॉमन सेंस की बात है कि हेडिंग का वर्ड यूज़ करते हैं जब हमने किसी चीज़ को हाईलाइट करना हो, डिस्क्राइब करना हो कि फलां टॉपिक किस चीज़ का है। इसे सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं ताकि हमारा पेज क्लियर हो जाए। तो देर आर सिक्स हेडिंग्स इन HTML स्टार्टिंग फ्रॉम H1 एंड गोइंग अप टू H6। द हाईएस्ट हेडिंग इज H1। इसे क्लोज करते हैं। H1 इज द हाईएस्ट हेडिंग, दिस इज हेडिंग। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं तो आपको एक बोल्ड कैप्शन नजर आएगा, दिस इज हेडिंग। जस्ट गो हेयर एंड प्रेस कंट्रोल डी। व्हेन यू प्रेस कंट्रोल डी इट विल डुप्लीकेट द लेयर, डुप्लीकेट द लाइन। रिप्लेस कर दें H2, H2, सेव, रिफ्रेश एंड दिस इज H2। दिस इज अ स्मॉलर वन एज कम्पेयर टू H1। तो इसे ही डुप्लीकेट कर दें और यहाँ पे जाके नंबरिंग चेंज कर दें, H3, H4, H5, H5 क्लोज, H5 स्टार्टिंग एंड H5 क्लोजिंग। इसे सेव करते हैं, यहाँ पे जाके रिफ्रेश करेंगे तो आप देख आप देख सकते हैं सकते कि हैं कि हेडिंग हेडिंग H1 H1 तो आप देख तो आप देख सकते हैं कि सकते हैं कि हेडिंग हेडिंग H1 इज अ H1 इज अ लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, फिर फिर H2 H2 उसे उसे स्मॉलर स्मॉलर एंड एंड सो सो ऑन। ऑन। तो तो इट इट मीन्स मीन्स हेडिंग हेडिंग डिक्रीजेस डिक्रीजेस फ्रॉम फ्रॉम टॉप टॉप टू टू बॉटम। बॉटम। अगर अगर हम हम इसे इसे रिवर्स रिवर्स कर कर देंगे, देंगे, रिवर्स रिवर्स का का मतलब मतलब कि कि मैं मैं इसे इसे करता करता हूँ हूँ कॉपी कॉपी और और यहाँ यहाँ पे पे जाके जाके कर कर देता देता हूँ हूँ पेस्ट। पेस्ट। तो तो यहाँ यहाँ आप आप देख देख सकते सकते हैं हैं कि कि मैंने मैंने इन्हीं इन्हीं हेडिंग्स हेडिंग्स को को लिखा लिखा है, है, लेकिन लेकिन ऑर्डर ऑर्डर रिवर्स रिवर्स करके, करके, स्टार्टिंग स्टार्टिंग फ्रॉम फ्रॉम 6 6 एंड एंड एंडिंग एंडिंग अप अप टू टू H1। H1। इसे इसे करते करते हैं हैं सेव, सेव, रिफ्रेश। रिफ्रेश। तो तो हेडिंग हेडिंग आपकी आपकी कुछ कुछ इस इस तरह तरह से से चलेगी। चलेगी।
तो बढ़ते हैं अपने अगले टैग की तरफ एंड दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट वन इज पैराग्राफ। व्हाट इज पैराग्राफ? तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे वेबसाइट ओपन की है, दिस इज हेडिंग वाइस चांसलर एंड दीज टेक्स्ट आर कॉल्ड पैराग्राफ्स। ये हमने जो टेक्स्ट लिखा है ये पैराग्राफ के अंदर लिखा है। तो पैराग्राफ का टैग शुरू होता है पी से और क्लोजिंग टैग हम इसे करेंगे स्लैश पी से। यहाँ पे हम लिखेंगे दिस इज पैराग्राफ, इसे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखें दिस इज अ पैराग्राफ। सो एवरीथिंग दैट इज रिटन बिटवीन द पी टैग्स विल बी कंसीडर्ड एज पैराग्राफ। तो यहाँ पे मैं कुछ डाटा कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बुक को ओपन की है और यहाँ से मैं इसका कुछ टेक्स्ट कॉपी करूँगा और नोट पैड प्लस प्लस में यहाँ पे हम पैराग्राफ की जगह पेस्ट कर देते हैं, इसे सेव करते हैं और रन करके देखते हैं। तो ये देखें ये आपको टेक्स्ट कुछ इस फॉर्म में शो होगा, लेकिन चूंकि अभी ये अलाइनमेंट का डिफरेंस है वो हम बाद में देखेंगे। अभी जस्ट हमारा मकसद ये है कि व्हाट इज पैराग्राफ। तो अगर आप यहाँ पे बी आर टैग यूज करेंगे तो ये न्यू लाइन जनरेट करेगा। हमने ब्रेक टैग कहाँ पे लगाया, ट्री के बाद, इसे सेव करें। जब आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्री के बाद जब आपने बी आर टैग यूज किया था तो जो नेक्स्ट टेक्स्ट होगा वो ऑटोमेटिकली न्यू लाइन पे शो होगा। अगर आपने इस पैराग्राफ में किसी चीज को बोल्ड करना हो, थोड़ा हाईलाइट करना हो, फर्स्ट करें हमने किसी चीज को बोल्ड शो करवाना है, तो बोल्ड शो करवाने के लिए आप यहाँ पे टैग यूज करेंगे बी और उसकी एंडिंग पे जाके आप लिख देंगे स्लैश बी। बी स्टैंड फॉर बोल्ड, स्लैश बी स्टैंड फॉर कि वो टैग बंद हो रहा है। द टेक्स्ट दैट इज रिटन बिटवीन बी टैग विल बी कंसिडर्ड एज बोल्ड। तो रिफ्रेश करेंगे तो ये आपको यहाँ पे बोल्ड नजर आएगा। अगर आप इसको इटैलिक, अगर आप किसी चीज़ को इटैलिक शो करवाना चाहते हैं तो जस्ट आपको वहाँ पे जाकर यू टैग लिखना होगा, यू एंड बैक स्लैश यू। इसे रिफ्रेश करेंगे और देखिए कंस्ट्रक्टेड ये आपका अंडरलाइन शो होगा। अगर आपने किसी को इटैलिक शो करवाना हो, लेट्स सपोज यहाँ पे हम लिखते हैं एग्जांपल, इटैलिक शो करवाने के लिए आपको आई टैग लिखना होगा, बैक स्लैश आई टैग लिखना होगा। तो आई टैग से जो भी चीज़ लिखी जाएगी वो आपकी इटैलिक शो होगी। तो ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल जिसमें हमने देखा कि हेडिंग्स क्या होती हैं, हम हेडिंग को क्यों यूज़ करते हैं, हेडिंग की कितनी टाइप्स होती हैं और इनमें डिफरेंस क्या है। फिर हमने देखा पैराग्राफ टैग, ब्रेक टैग, बोल्ड टैग, अंडरलाइन टैग एंड इटैलिक टैग। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे हर कोर्स के, हमारे हर लेक्चर के एंड पे आपको एक असाइनमेंट दी जाएगी और इसमें भी आपके लिए एक असाइनमेंट है। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपने अपना नेम लिखना है, फॉर एग्जांपल मैं अपना नेम लिखता हूँ, आपने अपना नेम लिखना है। फिर आप अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, और फिर आप आएंगे अपलोड योर असाइनमेंट पे, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको डायलॉग बॉक्स नजर आएगा। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे सिलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस, और फिर आप जाएंगे डेस्कटॉप पे और जो आपने फोल्डर बनाया था, जैसे इस केस में हमने बनाया वेब डेवलपमेंट, फोल्डर ओपन करें और उस फाइल को सिलेक्ट करें जो आपने अपलोड करनी है। तो विद इन फ्यू सेकेंड्स आपकी असाइनमेंट यहाँ पे अपलोड होना शुरू हो जाएगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगी और यहाँ पे आपने बताना है कि हाउ मच दिस लेक्चर वॉज हेल्पफुल टू यू, आपको कितने परसेंट समझ आई, आपको लेक्चर कैसा लगा। तो काइंडली हर लेक्चर में आपने अपना फीडबैक ज़रूर देना है और यहाँ पे आपने लिखना है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ओपिनियन हो, कोई कंप्लेन हो, सजेशन हो या कोई चीज़ जो आपका क्वेश्चन आपके माइंड में हो, आप भी फ्रेंकली पूछ सकते हैं। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे विद इन अ फ्यू सेकेंड्स तो आपकी असाइनमेंट मुझ तक पहुँच जाएगी, योर रिस्पॉन्ड हैज़ बीन रिकॉर्डेड।
In our next video, we will learn about images and links and so much. So keep practice and take care. See you next time. Allah Hafiz.